11 सितंबर को भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के प्रबत्ती में पति को बंधक बनाकर गन पॉइंट पर महिला के साथ जबरन दुष्कर्म किए जाने के मामले में अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिससे नाराज प्रबत्ती समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला। प्रतिरोध मार्च प्रबत्ती काली मंदिर से प्रबत्ती चौक तक निकाली गई। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अगर पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती तो हम लोग धरना प्रदर्शन के बाद उग्र प्रदर्शन करने को बाध्य हो जाएंगे। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष रोड पर तख्ती लिए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। महिला की मेडिकल जांच हो चुकी है। पुलिस अपराधियों को गिरफ्त में लेने के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। अब देखना यह है कि महिला को कब तक न्याय मिलता है। जो हमारी समाज की एक महिला उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उसी के लिए हम लोग सभी महिला हमारे जितनी भी हमारे समाज में है उसी के लिए हम लोग मास्क निकाले। हम लोग यही चाहते हैं जो बलात्कारी है उन्हें फांसी की सजा दे, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे कि दूसरे व्यक्ति उसको दे करके वो आए दिन वो कोई काम ना करे। आज क्या किया उसके लेकर जगदीशपुर प्रखंड में आगामी 29 सितंबर को होने वाले पंचायत आम चुनाव के मद्देनजर विभिन्न पदों पर दिए गए आवेदन की स्क्रूटनी का कार्य प्रारंभ हो गया है। मंगलवार को मुखिया और पंचायत समिति के आवेदन की स्क्रूटनी की गई। बुधवार को पंचायत समिति और वार्ड सदस्यों की स्क्रूटनी की गई। इसमें प्रत्याशियों के द्वारा दिए गए आवेदन में छोटी बड़ी सहित साधारण गलतियों का सुधार किया गया। प्रखंड के कुल 14 पंचायत के लिए मुखिया पद के लिए महिला उम्मीदवार के 50 से अधिक आवेदन और पुरुष उम्मीदवार के 50 आवेदन, पंचायत समिति पद के महिला उम्मीदवार के 25 आवेदन और पुरुष उम्मीदवार के 42 आवेदन की स्क्रूटनी की गई। मुखिया पद के लिए 140 और पंचायत समिति पद के लिए 91 आवेदन जमा हुए थे। प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी तरुण कुमार केसरी ने बताया कि 16 तारीख को सरपंच व पंच वार्ड सदस्य के लिए शेष आवेदन की स्क्रूटनी की जाएगी। वहीं 17 और 18 को नामांकन वापसी के लिए समय रखा गया है। कहा गया कि सब कुछ ठीक रहा तो 18 तारीख को चुनाव चिन्ह जारी कर दिया जाएगा। मौके पर प्रतिनियुक्त कर्मी के साथ सहायक निर्वाचन पदाधिकारी बीईओ रामजी सिंह, बीसीओ कुमार गौतम, एमओ अतुल कुमार आदि मौजूद थे। सबसे ज्यादा उम्मीदवारी वार्ड सदस्यों के लिए आई है। भागलपुर जिले में रफ्तार का कहर लगातार जारी है। कहलगांव थाना क्षेत्र के त्रिमुहान चौक के समीप चांदपुर गांव के पास तेज गति से आ रही अनियंत्रित हाइवा ने दादी और पोते को रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। दोनों की पहचान कहलगांव अमापुर के निवासी सुरेंद्र दास की पत्नी कुंती देवी और उसके पोते आदर्श कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद पुलिस ने हाइवा को जब्त कर लिया। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और मृतक के परिजन घटनास्थल पर दोनों के शव को रखकर मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिए, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस पदाधिकारियों ने उचित मुआवजा दिए जाने का भरोसा दिलाते हुए जाम को तुड़वाया। भागलपुर नगर निगम कर्मियों की हड़ताल से पूरा भागलपुर जहां अस्त व्यस्त हो गया था। सड़कों पर हजारों टन कचरा जमा हो गया था। पानी के लिए लोग त्राहिमाम थे। वो हड़ताल निगम कर्मियों ने 9वें दिन तोड़ दी। नगर निगम कर्मी हड़ताल वापस लेकर आज से अपने कार्य में पूर्ववत लग जाएंगे और हड़ताल तोड़ते हुए उन्होंने कहा कि सरकार से अनुरोध है कि 8 सप्ताह के अंदर हमारी शर्तों को पूरा करे और हमारी मांगों पर पूर्ण रूपेण विचार करके 21 अक्टूबर में न्यायालय में अपना पक्ष रखे। हड़ताली कर्मचारियों ने कहा कि वे सभी अपने अपने काम पर वापस जा रहे हैं। हम हाईकोर्ट के आदेश को मानते हुए हड़ताल तोड़े हैं। हमारी मांगे अभी भी विचाराधीन हैं। हमारी मांगे अभी पूरी नहीं हुई हैं। कल से 8 सप्ताह तक हम लोग अपने कार्य में लगे रहेंगे। आगे की रणनीति 21 अक्टूबर को जजमेंट सुनने के बाद ही किया जाएगा। अगर हमारी मांगों को पूर्ण रूपेण माना जाएगा तो हम लोग कार्य में जुटे रहेंगे, वरना फिर से हम सभी पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तमाम कर्मी हड़ताल
सरकार को दिया कि आप 8 सप्ताह के अंदर सब फैसला करके लागू करते हुए 21 अक्टूबर को न्यायालय में उपस्थित। अभी आप लोगों का मांग पूरा नहीं हुआ? मांग कैसे पूरा होगा, विचाराधीन में है। हाँ, जब हाईकोर्ट के निर्णय पर ना हमको लौटना पड़ा, हम तो हड़ताल पर थे ही। मतलब आज से लोग काम पर वापस? हड़ताल देखिए, हाई कोर्ट जो है, न्यायालय जो है, हमेशा सबसे ऊपर है। हाँ। उसको प्राथमिकता देना चाहिए। अगर न्यायालय का सम्मान नहीं करते तो भारतीय नागरिक नहीं। आज से लोग वापस क्या आ रहे हैं, काम करना शुरू कीजिएगा। हाँ, आज 2 बजे के बाद कर्मचारी ज्वाइन करेंगे, उसके बाद जाएंगे काम। सुल्तानगंज प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। इसको लेकर एक और जहां प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू ने संबंधित सभी कर्मियों के साथ बैठक की, वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की ओर से भी एक बैठक आयोजन सुल्तानगंज थाना परिसर में किया गया, जिसमें शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। विधि व्यवस्था DSP डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो, इसको लेकर सभी बॉर्डर इलाके में विशेष गश्ती सहित गंगा किनारे में वोट से गश्ती की जाएगी। जेल से छूटे सभी कुख्यात अपराधियों की लिस्ट बनाकर सभी पर आवश्यक कार्रवाई करें। इसके अलावा शराब माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर भी रणनीति तैयार की गई। मौके पर मुंगेर सदर SDPO नंदजी सिंह, तारापुर SDPO मुकेश सिंह, सुल्तानगंज सर्किल इंस्पेक्टर रतन लाल ठाकुर, थाना अध्यक्ष लाल बहादुर सहित कई थानों के अध्यक्ष मौजूद थे। भागलपुर नगर निगम में दैनिक सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम के स्थापना शाखा के बड़ा बाबू गौतम मल्लिक पर स्थायीकरण को लेकर 34 सफाई कर्मचारियों से 1-1 लाख रुपये ठगने का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा। दैनिक सफाई कर्मचारी कालीचरण और उसके साथियों ने बताया कि उन लोगों ने स्थायी होने की चाहत में महाजन से सूद पर पैसा लेकर गौतम मलिक को दिया था। इन कर्मियों का आरोप है कि हाईकोर्ट के द्वारा 2016 में ही 10 वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को योग्यता व आरक्षण के आधार पर उनकी अस्थायी नियुक्ति का फैसला सुनाया गया था। इस बीच गौतम मलिक ने इन कर्मचारियों को झांसे में लेकर 1 लाख रुपये लेकर स्थायीकरण का भरोसा दिया। अब इन कर्मचारियों का आरोप है कि पैसा लेने के बाद गौतम मलिक टाल मटोल कर रहे हैं, कोर्ट के कानूनी अड़चनों की दलील दे रहे हैं। घर पर उनका प्रवास नहीं था, क्या थे? के लिए घूस दे रहे थे ना। क्या करेंगे, कब मांगा ये पैसा? कब मांगा? डेढ़ महीना हो रहा है। कितने लोगों का पैसा मांग दिया? हम लोग हैं। तुम लोग को 1-1 लाख रुपए लगेगा। प्रभात सिंह को घर पे पहुँचाना है, 34 लड़का का 34 लाख होता है। क्या चीज का पैसा पहुँचाना है? परमानेंट करने का। जब हाईकोर्ट से हम आए, जब हम हाईकोर्ट से आए तो फिर पैसा कैसे देंगे? हम लोग 18-19 लाख रुपए खर्चा कर चुके। तुम जिसके पास जो अंतरी मंत्री नेता लीडर, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकेगा।